हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम डॉक्सो में जा रहे हैं, इसलिए पेट्रोल डलवा रहे हैं फुल टैंक, और उसके बाद में हवा भी गाड़ी में थोड़ी कम है, उसको डलवाएंगे। हवा भर लिए, पेट्रोल भी भर गया है, अब हम निकल रहे हैं डॉक्सो के लिए। मेरे पापा आ गए हैं डॉक्सो में। पापा वेलकम बैक बोलो ना। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। माय ब्लॉग। इतने सारे डॉग्स हैं, इतने सारे डॉग्स हैं। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? लियो। लियो नाम है। एग्रेसिव है। अच्छा। से निवेदन करूंगा कि वो जो है साहब को जो है मोमेंटो आज के डॉग शो का प्रेजेंट करें। सीधी और उल्टी चोंक चेन क्या होती है? ये उल्टी है। उल्टी का मीनिंग ये है, जब हम अपने डॉग को चोक करेंगे ना, फ्री फ्लो होने के लिए चोंक चेन ऐसी होनी चाहिए। अब देख लीजिए, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड पे ये जैसे ही आएंगे, अब ये जैसे अपनी चोक को लूज करेंगे, लूज करो हल्की सी, तो जो ऊपर वाला छल्ला है वो फौरन लूज हो जाएगा, और जैसे ये खींचेंगे तो वो छल्ला उसको चोक करेगा। अगर आप इसको उल्टी लगाएंगे ना, तो ये वहां पे लॉक हो जाएगी चेन। तो सीधी चोक चेन का मतलब ये होता है कि ये जो छल्ला है ये हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ग्रेविटी की वजह से जैसे ही हम छोड़े तो ये स्लाइड होकर नीचे आ जाए। और अगर मैं चाहूंगा कि अदनान जी के में इनके डॉग लगे हैं, इन्होंने डच शेफर्ड ब्रीड जो है उसको ब्रीड करा है, तो चाहूंगा कि अदनान जी आप बताएं। हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अदनान खान है, मैं यहाँ दिल्ली से आया हुआ हूँ, एंड हम केनाइन स्कूल एक डॉग ट्रेनिंग कंपनी चलाते हैं। मेरे साथ अरुण सर और वैभव माथुर, ये दोनों आए हुए हैं दिल्ली से। डॉग्स में ये जायन है, ये 7 साल के हैं, और इनका बेटा है पैंथर, अभी आपको दिखाएंगे, वो भी आया हुआ है, वो 6 मंथ्स का है। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे आना वही, आप लोग के साथ कनेक्ट करना और अवेयरनेस बढ़ाना। जितना ज़्यादा पेट डॉग्स में इन्वॉल्वमेंट और नॉलेज हम शेयर कर पाएँ, दैट्स द होल पर्पस बेसिकली।
तो दिल्ली में हमारा पेट डॉग्स का ट्रेनिंग स्कूल है। मेनली हमारा ऑपरेशन यही है कि कोई डॉग जैसे अग्रेसिव होते हैं और लोगों को हैंडल नहीं हो पा रहे तो वो 2 महीने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। दूसरा हमारा एक डॉग ट्रेनर्स का इंस्टीट्यूट है जिसमें हमने 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेन करे हुए हैं, मोर देन 30 इन नेपाल, 1 इन सिंगापुर, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर स्लोली स्टार्टिंग। एशिया में काफ़ी कवर हो चुके हैं तो हम चाहते हैं कि डॉग ट्रेनर्स को भी एक सर्टिफाइड और एक रिस्पेक्टेबल जॉब बनाएं, नॉट जस्ट कि कोई भी मतलब ट्रेनिंग ठीक है हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं बट एटलीस्ट उसमें भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में एक डिग्री एक डिप्लोमा इस तरह का हम सर्विस क्रिएट करें। तो हमारे एक डॉग ट्रेनर्स का स्कूल है प्लस कल जैसे मैं डिस्कस कर रहा था हम धीरे धीरे इसमें वेलफेयर में भी आ रहे हैं कि हम नहीं हैं बट आसपास दूसरे डॉग्स हैं तो हम आपको एक बेसिक इतना सिंपल सा स्टफ दिखाएंगे ताकि आपको भी लगे कि ये हम लोग आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अरे ये ट्रेनर लोग हैं तो इनसे ही हो पाएगा या ये लोग तो सुबह शाम करते होंगे। ऑनेस्टली ये 7 साल का हो गया है, मतलब सिर्फ इसकी ट्रेनिंग 2 साल की इज तक हुई थी, बाकी अब ये जो भी करता है अपने मर्जी से ही करता है, मतलब हम इनको कोई फोर्स नहीं करते कोई कंट्रोल नहीं करते। तो पहले जायन और पैंथर का थोड़ा थोड़ा बेसिक ओबीडियंस होगा जो ये बॉल से और खाने से हमारे साथ चलेंगे हमारी बात सुनेंगे। फिर ये हर्डल अरेंज करिए मनीष जी का, थैंक यू सो मच। हम उस हर्डल पे इसको इंजरी होगी एक्चुअली डॉग ने काटा था कल तो बट वी ट्राई टू मेक द डॉग जंप थ्रू दैट हर्डल जस्ट फॉर बेसिक, मतलब हम आप इस तरह सोचिए कि हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप लोग को भी इजी लगे कि आप घर पे जाके कर पाए। हम ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते कि मतलब इतना दूर हो जाए इतना परे हो जाए कि अरे हमसे होगा ही नहीं, से प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन सिनेरियो हम कराएंगे, बाइट वर्क सिक्योरिटी डॉग का एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा आप लोग के सामने अभी ओबीडियंस के बाद, वो घर पे मत करिएगा, प्लीज डोंट ट्राई दैट एट होम। ओबीडियंस आप जो भी कराएं, गार्ड डॉग की एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ सब लोग के सामने कि ब्रीड होती है स्ट्रॉन्ग ब्रीड जैसे रॉटवाइलर, डॉबरमैन, बेल्जियन शेपर्ड, बट सिर्फ उसको ले के पाल लेने से वो गार्ड डॉग नहीं बनता है। ये लोगों को बहुत लगता है कि बस 2 जर्मन शेपर्ड पाल लिए तो वो सुरक्षा कर लेंगे पूरी तरह से, अगर उनकी आपने सोशलाइजिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फिटनेस।
बॉल लेके आया। ट्रेनिंग विद रिलेशन है, आप लोग का माइंडसेट मोस्टली अबाउट ट्रेनर्स, आई अंडरस्टैंड के जबरदस्ती करना पड़ता है, प्रेशर बहुत डालते हैं और इतना करता नहीं है डॉग, तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप घर पे कर सकते हैं, हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं छुपाते, मोस्टली ट्रेनर्स ट्राई टू हाइड क्या रहे, आपको बता देंगे तो आपको हमारी जरूरत क्या पड़ेगी। सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे कॉलर पहनना, मजल पहनना, इतनी बेसिक चीजें अगर आप सिखाएंगे तो ऐसे इवेंट्स में अगर आपका डॉग छूट भी जाता है तो आप बस रस्सी दिखाएंगे, वो अपने आप ही उसमें आ जाएगा। राइट, कॉलर कॉलर गुड बॉय, ही इज एक्चुअली इंजर्ड सो ही इज नॉट जंपिंग नॉर्मली, मैं कहीं पे भी लीश रखूं कम स्ट्रेट थ्रू कोई भी कॉलर। Thank you.
की तरह जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड खतरनाक डॉग्स। तो डेरिंग है पापा, ये वाले लेंगे अपन। स्मार्ट हार्ट से स्मार्ट हार्ट कंपनी के प्रतिनिधि मनीष जोशी जी, आपका स्वागत है। जर्मन सफर आज हम यहाँ पे जो मस्त रनिंग कर रहा है जर्मन सफर सिग्नेचर कंपनी के प्रतिनिधि। कुछ कुछ डॉग्स अपने मालिक की बहुत सुनते हैं और कुछ कुछ नहीं सुनते, उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होती। फैंसी कंपनी के प्रतिनिधि करा रहे इधर ना ना ना, इनको लेके वॉक करेंगे फ्री फ्री टाइम। हम जाएंगे सरफराज खान साहब, हम दो शब्द बोले, दो शब्द से उन लोगों का उत्साह भी वहाँ काबिले मतलब तारीफ था, मतलब यहाँ पर तो हम ये चाहेंगे कि इंदौर के जो श्वान नाम क्या इनके लिखना है, ये साला बदमाशी देख रहा है।
लॉकी लॉकी चलो नो रुनो रुनो इधर देखो देखो मम्मा हेलो करते मम्मा 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 ये लो खड़ा हेलो लोकी हेलो हेलो वहां से तो कृपया WF550 क्रेटा वाइट इसके जो भी मालिक हो कृपया करके थोड़ा जगह दे दे वहां पर हमेशा श्वानों से प्रेम करने का संदेश देता है चाहे ब्रीड हो चाहे देसी हो सभी से मोहब्बत करें क्योंकि जब आप किसी डॉग से मोहब्बत करते हैं तो अपने आप आपको सभी डॉग से मोहब्बत होने लगती है प्यारा डॉग है खाना खा रहा है हो गया ये बाल वाला है कितने सारे इसके जो युद्ध हो रहा है डॉग्स के बीच में यहाँ पे एक दूसरे पे अटैक की तैयारी गाइस ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज कराया है कि ताकि हम ये जान सके डॉग्स हमारी कितनी सुनते हैं जो मालिक रहता है उनको कितना फॉलो करते हैं कितनी बातें सुनते हैं उनका कहना कितना मानते हैं बेल्ट कितनी देर में पहनते हैं खाना कब खाते हैं उठने का बोलो हेलो हाय कब करते हैं मालिक की कितनी बात सुनते हैं कितने ट्रेन है इसलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है।